हेलो बच्चों कैसे हो आप सभी आइए हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 12.1 पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर नाइन्थ स्टेटमेंट देखिए अपनी एनसीआरटी बुक में हमारे पास क्या बना बच्चा अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हैमिस्फियर फ्रॉम एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ये हमारे पास कोई भी एक सॉलिड सिलेंडर है इसके दोनों फेसी से अपर फेस से और लोअर फेस से हमने एक हेमिस्फीयर को बाहर निकाल लिया जैसे आइसक्रीम वाला होता है ना आइसक्रीम निकालता है वैसे हमने यहाँ पे अपर से और लोअर से दोनों तरफ से एक हेमिस्फीयर को कट करके बाहर निकाल लिया है ठीक है इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज टेन सेंटीमीटर ये जो हमारे पास सिलेंडर है अगर इसकी जो हाइट है वो हमारे पास क्या गिवन है टेन सेंटीमीटर एंड इट्स एंड इट्स बेस इज ऑफ़ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और जो इसका बेस का जो रेडियस है ये हमारे पास पूरा क्या होता है डायमीटर लेकिन हमारे पास क्या गिवन है सिर्फ रेडियस रेडियस हमारे पास क्या है थ्री सेंटीमीटर फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ आर्टिकल हमें इस आर्टिकल का टोटल सर्फेस एरिया फाइंड आउट करना है अब देखिए सबसे पहले हमारे पास बच्चा जो भी गिवन है स्टेटमेंट में हम वो जरूर लिखते हैं ताकि हमारे पास कोई भी मार्क्स डिडक्ट ना हो हमारे सबसे पहले देखिए हमारे पास ये सिलेंडर है इसकी हाइट हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है टेन सेंटीमीटर ठीक है तो हम क्या लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर ठीक है हाइट ऑफ सिलेंडर क्या गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में टेन सेंटीमीटर ठीक है सेकंड देखिए और हमारे पास क्या गिवन है रेडियस गिवन है कितना थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो हमारे पास क्या गिवन है रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या गिवन है हमारे पास थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अब देखिए इस सिलेंडर के अंदर से हमने ऊपर से और नीचे से हमने क्या निकाला एक हेमिसफेयर निकाला है तो जो इस सिलेंडर का रेडियस होगा वही हमारे पास इस हेमिसफेयर का भी रेडियस होगा ठीक है तो रेडियस ऑफ हेमिसफियर हेमिसफियर का रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ठीक है अब क्वेश्चन में हमारे पास पूछा क्या है हमें क्या निकालना है इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल ठीक है अब देखिए जैसे ये हमारे पास कोई भी सिलेंड्रिकल सिलेंडर है हमने इसके ऊपर से एक हेमिस्फीयर को कट करके निकाल लिया और एक नीचे से इस हेमिस्फीयर को कट करके निकाल लिया अब ऊपर वाला पोर्शन भी चला गया और नीचे वाला पोर्शन भी चला गया बच गया ये साइड वाला पोर्शन तो ये हमारे पास क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे टोटल सरफेस एरिया में इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ठीक है प्लस अब देखिए ऊपर से भी हमने एक हेमिस्फीयर निकाल लिया और नीचे से भी हेमिस्फीयर निकाल लिया तो अपर और ऊपर वाला और नीचे वाला तो बाहर निकल जाएगा बचेगा अंदर क्या हमारे पास कर्ड सरफेस एरिया और कितने हेमिस्फीयर है दो हैमी एक ऊपर से निकाला, एक नीचे से तो क्या आजगा टू इंटू में कर्वड सरफेस एरिया ऑफ हैमी ठीक है ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है हमने ऊपर से और नीचे से स्फीयर को निकाल लिया तो ये ऊपर से और नीचे से हमारे पास क्या हो जाएगा वैकेंट हो जाएगा खाली हो जाएगा तो बचेगा क्या सिर्फ हमारे पास ये कर्ड सरफेस एरिया इसीलिए हमने सिलेंडर का सरफेस एरिया लिया है और हेमिस्फीयर का अपर भी निकल जाएगा और लोअर भी निकल जाएगा बच्चे का क्या अंदर वाला पोर्शन इसलिए हेमिस्फीयर का भी हमने क्या लिया है सरफेस एरिया इन दोनों को ऐड करके हम क्या निकाल सकते हैं इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया ठीक है अब देखिए कब्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या होता है टू पाई आर एच प्लस कब्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास क्या होता है टू आगे पहले ही है इन टू में टू पाई आर स्क्वेर ठीक है अब देखिए टू एज इट इज पाई की वैल्यू अभी ऐसे ही रहने देते हैं हम इन टू में आर सिलेंडर का रेडियस हमारे पास क्या है थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव इंटू में हाइट हाइट हमारे पास क्या है टेन सेंटीमीटर टेन प्लस टू एज इट इज टू इंटू में टू टू में पाई इन टू में आर स्क आर हमारे पास क्या रेडियस भी हमारे पास क्या है थ्री तो पॉइंट यहां तक आपको कुछ भी डाउट हो तो बच्चा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए अब देखिए पॉइंट को हटाएंगे नीचे जीरो यहां पे भी पॉइंट को हटाएंगे नीचे जीरो इस वाले पॉइंट को हटाएंगे नीचे जीरो टेन से टेन कैंसिल टू की थर्टी फाइव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा सेवनटी और पाई एज इट इज तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सेवनटी पाई ठीक है प्लस देखिए ये सेवन पे कट जेगा फाइव सेवनजा थर्टी फाइव फाइव टू झा टेन यहां पे भी फाइव सेवनजा थर्टी फाइव फाइव टू झा टेन टू से टू कैंसिल टू से टू कैंसिल ऊपर क्या बच गया सेवन इंटू में सेवन फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन इंटू में पाई फोर्टी नाइन पाई ठीक है अब हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप चाहे तो ऊपर भी पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं हमने जस्ट कॉम्प्लीकेशन को कम करने के लिए पाई की वैल्यू लास्ट में पुट किया है ठीक है बच्चा अब देखिए वन हंड्रेड नाइनटीन इंटू में पाई पाई हमारे पास क्या होता है ट्वेंटी टू अपॉन सेवन अब इसको 119 को सेवन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेवन वन जो सेवन सेवनटीन ठीक है 119 को सेवन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेवनटीन अब सेवनटीन की ट्वेंटी टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री सेवनटी फोर और यूनिट हमारे पास क्या है सेंटीमीटर तो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर ये हमारे पास क्या आ जाएगा इस आर्टिकल से, के अंदर से इन दोनों हेमिसफेयर को बाहर निकालने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उसका एरिया ठीक है बच्चों अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने निहान क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू